हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरहत के साथ। तमाम व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस, न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज शेयर करें बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस स्पाइसी क्रिस्पी फ़िश रेसिपी है। तो फ़िश फ्राई रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए, वो सबसे पहले तो हम फ़िश को अच्छी तरह से वॉश करेंगे आटा लगा के। मैंने इसे आटा लगा दिया था और आधा मैंने इसे वॉश कर लिया, थोड़ा सा मैंने दोबारा इसको वॉश करना शुरू किया है। तो सबसे पहले जो है वो फ़िश को अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। जब फ़िश हमारा अच्छी तरह वॉश हो जाएगा तो इसके बाद जो है वो हम फ़िश को वॉश करने के बाद जो है वो अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने ली है अजवाइन हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर और साबुत धनिया, उसे हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। ये हमने फ़िश ली है जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया 2 से 3 बार और आटा लगाकर। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। तो इसको मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर हमने जो है वो गार्लिक को पेस्ट बना लेंगे। गार्लिक लिए हैं 8 से 12 जवे, उसका पेस्ट बना लेंगे। हल्दी पाउडर है और कुटी मिर्चें हैं। और जो ये हम ड्राई रोस्ट मसाला कर रहे हैं इसको हम कूट लेंगे। कूटने के बाद एक बर्तन में शामिल करेंगे इसको। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बेसन, हल्दी पाउडर और कुटी हुई मिर्ची, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे, यानी कि लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसके अंदर। अब हमने लिया है फ़िश फ्राई मसाला। तो फ़िश फ्राई मसाला इसके अंदर जो है वो हम कम्प्लीट शामिल करेंगे। हमारी फ़िश 1/2 kg से ज़्यादा है, तकरीबन 1 kg फ़िश है। तो 1 kg फ़िश में पूरा साशे हमारा शामिल होगा। इसके अंदर हमारे तमाम स्पाइसेस शामिल हैं और सब फ्लेवर्स हैं। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और इसमें अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हमने जितनी भी फ़िश ली है वॉश करके, अब इसके अंदर डालते जाएंगे। इसे अच्छी तरह से इस तरह से मैरिनेट करते जाएंगे एक एक पीस को। और मैरिनेट करके जब हमारी तमाम फ़िश अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट और मिक्स हो जाएगी तो इसको हम 3 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करके ढक कर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे कम से कम जो है वो 1 घंटे तो मैरिनेट ज़रूर करें, ताकि जितना भी मसाला है, स्पाइस है, फ़िश के अंदर उसका फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और फ़िश अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो फ़िश बहुत अच्छी और फ्लेवरफुल बनेगी और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल इसका जायका आएगा। इन मसालों की खुशबू इतनी लाजवाब होती है जो हम ड्राई रोस्ट मसाले इसके अंदर शामिल करते हैं और ये इस तरह के फ्लेवर्स, तो फ़िश बहुत अच्छी बनती है। ये यहाँ हमारी फ़िश मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसे ढक कर जो है वो 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। ये हमारे तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। अब हमने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म करने के बाद अब हम एक एक फ़िश का पीस जो है वो इसके अंदर डालते जाएंगे और फिर इसको जो है वो हाई फ्लेम पर दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक और कुक होने तक इसको कुक करेंगे। अब जो है वो हम इसको इस तरह से जो है वो सारे जितने पीसेस में आएंगे वो डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं हाई फ्लेम पर। और फिर इसको जब एक साइड से सिक जाएगी तो फिर इसको टर्न कर देंगे दूसरे साइड से। बहुत इंस्टेंट क्विक और बहुत इजी जो है वो ये फ़िश फ्राई रेसिपी बन जाती है। तो ये हमारी क्रिस्पी हो गई थी, हमने इसे टर्न कर दिया है अच्छी तरीके से। ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसे निचले साइड से भी जो है वो जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाती इसको फ्राई करेंगे। ये हमारी फ़िश कंप्लीट हो गई है। आधी मैंने प्लेट में निकाल ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और बाकी ये रही। अब ये डालते हैं, अब इसको जो है वो हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।